असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज भाजपा के विजय संकल्प रैली में बलौदा बाजार पहुंचे, जहां विधानसभा के प्रत्याशी टंक राम वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, भाजपा की सरकार ने हर वर्गों को लेकर चला है। हमने असम में 700 मदरसे बंद किए हैं, इसलिए पूरे भारत में मदरसा बंद होना चाहिए। केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि हर समय मदरसा बंद करने के लिए बात होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के साथ आम सभा को संबोधित किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए राज्य में धर्म परिवर्तन का बाजार खोल दिया है। छत्तीसगढ़ को करप्शन से मुक्त करने तक पूरा हम लोग एक बड़ा पैकेज लेके हम छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का नव निर्माण हो, भारत का अंदर में छत्तीसगढ़ एक महाप्रदेश का रूप में उभरे, यही भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है, मंथन है, हमारा वही कर्तव्य रहेगा। क्या कारण है कि भारतीय हमारा सब लोग सीएम के लिए सहरा है, सारे कार्यकर्ता हमारा सीएम है, बीजेपी कार्यकर्ता का पार्टी है, एक कार्यकर्ता सीएम बन जाएगा, कांग्रेस नेता का पार्टी है, हमारा कार्यकर्ता का पार्टी है। भूपेश जी जो भी बोले वो तो मेरे लिए वरदान ही है, कम से कम हमारा नाम तो ले रहा है। हम मुझको छत्तीसगढ़ में कौन जानते थे, भूपेश जी ही मुझको थोड़ा पॉपुलर कर दिया, नहीं तो मैं कहा जीवन में छत्तीसगढ़ में आया ही नहीं था। भूपेश जी ने मुझको थोड़ा पॉपुलर कर दिया, मैं भूपेश जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन फिर भी महादेव तो सोरेगा नहीं, वो बात चुनाव का बाद ही महादेव एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा सा टीएस सिंहदेव जी के लिए भी खुशी का खबर है, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव का बाद महादेव एक्टिव हो जाएगा, वो आप लोग निश्चित रहिए। गैस का दाम तो कम हो गया, दाम कम है आज राजस्थान में, पेट्रोल का दाम 108 रुपया है, असम में 97 रुपीज है। तो ये तो स्टेट निर्णय करता है पेट्रोल डीजल का भाव, बीजेपी आने से तो वैट अपने आप कम हो जाएगा, असम यूपी का लेवल में हो जाएगा। देखिए नक्सल बात का ऊपर हमें फाइनल प्रहार करना ही है, देश में आतंकवाद का ऊपर प्रहार हो चुका है, अभी नक्सलवाद का ऊपर प्रहार होना ही है, अमित शाह जी बोल के गया है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, फाइनल असॉल्ट ऑन नक्सल जी विल हैपन नाउ। देखिए वो एक समय अलग था, भूपेश बघेल जी को दे देना सही था, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस होता है, अगर रमन सिंह जी जीत जाता था तो दे देता था, अगर भूपेश बघेल जी ने नहीं दिया हमारे लिए छोड़ के गया, अभी वो नई काम हम ही पूरा कर दूंगा 25 दिसंबर को। गृह लक्ष्मी योजना इसका मैनिफेस्टो में नहीं है, तो भूपेश बघेल जी ने आनंद फानंद में ट्वीट किया है।